आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ यानी कि दसवीं क्लास का पॉलिटी। और पॉलिटी में जैसे कि चैप्टर फर्स्ट हो चुका है, तो आज हम अपना चैप्टर सेकंड कराने वाले हैं, संघवाद। तो संघवाद से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर करूंगा और क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आपको ये टॉपिक जो है ध्यान से समझना है, सारी चीजें बहुत ही आसान है। क्लास टेंथ की पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी, संघवाद। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और ये हमारा नया कोर्स है पॉलिटी का क्लास टेंथ के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आपने देखा होगा लास्ट अपने वीडियो में, वहाँ पे हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। जैसे कि पहला चैप्टर था, उसमें हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे हम, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानेंगे और फिर हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो तरह का शासन। एक शासन होता है एकात्मक शासन और एक होता है संघीय शासन प्रणाली। तो ये दोनों होता क्या है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके सामने बात करते हैं कि श्रीलंका, श्रीलंका जो है यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यानी कि जो एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है, जो कि एक सरकार होती है केंद्र की, उसी सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं। यानी कि जब एक ही सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं, ठीक है, तो वो एकात्मक प्रकार की सरकार हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे है कि केंद्रीय सरकार के पास सारे अधिकार है। आपको बताया था हमने कि श्रीलंका में एकात्मक शासन है, और आपको ये भी बताया था कि वहाँ पे जो सरकार ने संविधान जो भी बनाया है अपने अकॉर्डिंग बनवा रखा है। और वहाँ पे क्या होता है कि एक धर्म के लोगों को, जैसे बौद्ध धर्म जो भी है वहाँ के लोग, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, उनके धर्म को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, उनकी भाषा को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ऐसा करा है। तो ये जो हो जाता है ये एकात्मक शासन प्रणाली में होता है, ठीक है। लेकिन संघीय व्यवस्था जो होती है वो थोड़ी इससे तो बिल्कुल ही अलग होती है, एकात्मक से बिल्कुल अलग होती है संघीय व्यवस्था। इसमें क्या होता है, थोड़ा समझो। संघीय व्यवस्था, बेल्जियम का एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि आमतौर पर जो संघीय स्तर होता है, ठीक है, संघीय व्यवस्था, इसमें दो स्तर की सरकारें होती है। यहाँ पे एक ही सरकार थी, उसी के पास सब कुछ था अधिकार, लेकिन यहाँ पे दो स्तर की सरकार है, ठीक है। और एक सरकार तो वो है जो पूरे देश के लिए काम करती है, जिसको हम केंद्रीय सरकार बोलेंगे। एक सरकार वो होती है जो मतलब प्रांतों के लिए या राज्य के लिए काम करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय सरकार बोल सकते हैं, प्रांतीय सरकार बोल सकते हैं, राज्य सरकार बोल सकते हैं, अलग अलग नामों से हम उसको जान सकते हैं। तो ये होता है, ठीक है। दोनों सरकारें जो होती हैं अपने अपने स्तर पर काम करती हैं और अपने स्तर पर काम करने के लिए स्वतंत्र होती हैं दोनों सरकारें। तो ये है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पे। देखो, अभी हम दो तरह की सरकारों की बात कर रहे थे, केंद्र और एक राज्य। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा जो होता है वो हर संघीय सरकार में अलग अलग प्रकार का होता है। जरूरी नहीं है जैसा बेल्जियम में है वैसा ही किसी दूसरे संघीय सरकार में हो सकता है। जैसे मान लो भारत में भी संघीय व्यवस्था है, तो भारत में जो सत्ता का बंटवारा जिस तरीके से है, क्या ऐसा ही बेल्जियम में भी होगा, क्योंकि वहां पे भी संघीय व्यवस्था है? तो हम बोलेंगे नहीं, अलग अलग जगहों पे ये जो चीजें होती हैं अलग अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। तो अब देखो, संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। ये जो संघीय शासन व्यवस्था होती है दो तरीकों से बनाई जाती है मेनली। वो दो तरीके कौन से हैं? सबसे पहला तरीका देखो, यहाँ पे क्या होता है पहले तरीके में कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र देशों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाना। जैसे देखो, हाँ, अलग अलग एक देश ये है और एक देश ये है, दो देश है, या फिर एक और देश मान लो तीन देश, इन तीनों देशों को एक साथ ले आए और एक बड़ी इकाई बना दी। एक तो ये तरीका है, यानी कि इसमें अलग अलग देशों को जोड़ लिया, ठीक है, ये तरीका है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें भी एक से ज्यादा देशों को लाके जोड़ा गया है। ऑस्ट्रेलिया, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जो भी हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे यूके वगैरह भी आप पढ़ते हो तो ऐसा होता है। तो ये तो पहला तरीका है, ये हमारे यहाँ पे नहीं होता है, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता है पहला तरीका, इसे समझ लो खाली थोड़ा सा। हमारे यहाँ पे दूसरा तरीका आजमाया जाता है, ये जो सेकेंड तरीका है इसे देखो। इसमें क्या होता है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने अलग अलग देशों को नहीं जोड़ा है, हमारा देश है भारत। अब मैं आपके सामने मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये मैंने आपके सामने मैप बना दिया है भारत का।
हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं। आपको पता है हमारे देश में 29 राज्य हैं, ठीक है, 29 राज्य हैं देश के अंदर, अलग 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 बहुत सारे राज्य हैं, 29 राज्य हैं। हमने क्या करा, इन सारे राज्यों को जोड़कर ही एक संघ बना दिया, ठीक है। हमने इन सभी राज्यों को जोड़कर एक संघ बना दिया, हमने ये वाला तरीका आजमाया है। यानी कि हमने अलग अलग देशों को जोड़ के एक नहीं बनाया, बल्कि हमने अपने सभी राज्यों को जोड़कर, देश के अंदर जो राज्य हैं उसको जोड़कर एक बनाया है। तो यह हमारा दूसरा तरीका है। ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा भारत में है, स्पेन में है, बेल्जियम में है। यहाँ पे क्या होता है, जहां पे ऐसी व्यवस्था होती है, यहाँ पे दो तरह की सरकार होती है, एक तो केंद्र की होती है, एक राज्य की होती है। यहाँ पे केंद्र की सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, दो तरह की सरकार होती है, लेकिन यहाँ पे राज्य जो होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे केंद्र ताकतवर होते हैं, बट यहाँ पे राज्य ताकतवर होते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पे। आगे आप ध्यान से देखिए, देखो जहां पे दो स्तर की सरकार है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दो स्तर की सरकार कौन सी? एक तो केंद्र और एक राज्य। तो यहाँ सरकार जो है वो दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है। सरकार जो होती है वो कितनी होती है? दो या दो से अधिक स्तर वाली। फिर क्या है, अलग अलग स्तर पर सरकारें जो है वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, ठीक है। उन पर कानून बनाने, टैक्स वसूलने, प्रशासन पर उनका अधिकार जमाने, ये सारा उनका काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने भी आपको भारत बताया, भारत में दो तरह की सरकार है। वैसे तो तीसरी स्थानीय स्तर भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर मेन दो तरह की सरकार है। एक तो हमारी केंद्र की है और एक राज्य की सरकार है। केंद्र की सरकार पूरे देश को देखती है, राज्य की सरकार केवल अपने राज्य को देखती है, लेकिन जनता तो उनकी वही है ना। जैसे मान लो बिहार राज्य की जो जनता है, केंद्र की सरकार भी तो देखेगी उस बिहार राज्य के लिए काम करेगी। तो ऐसा ही है, यानी कि जो अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं वो एक ही जैसे नागरिक समूह पे अपना कानून वगैरह बनाने का काम करती हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसमें क्लियर हमारे संविधान में बता रखा है कि राज्य की सरकार को क्या अधिकार है और केंद्र की सरकार को क्या अधिकार है। हाँ, आपको पता है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी है, ठीक है, और संविधान के कुछ मौलिक प्रावधान भी हैं। तो संविधान के कुछ मेन जो मौलिक प्रावधान है उसको किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। और ऐसा बदलाव जो होगा, मान लो कोई मौलिक प्रावधान है उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, तो कोई एक स्तर की सरकार नहीं कर पाएगी, उसके लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होनी जरूरी है। अगर केंद्र की चाहेगी और राज्य की चाहेगी, दोनों सरकारें चाहेंगी, तभी वो चेंज हो पाएगा। अगर सोचें कि केवल राज्य की सरकार चाहती है और कर दे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये कुछ मेन था। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है, एक मेन पॉइंट पढ़ो कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यानी कि केंद्र की सरकार जो है वो भी टैक्स इकट्ठा करती है, राज्य की सरकार जो है वो भी टैक्स इकट्ठा करती है। तो दोनों स्तरों की सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत बना रखे हैं टैक्स इकट्ठे करने के, ठीक है। और ये व्यवस्था होती है पूरी। अब इसमें क्या है कि भाई, इस प्रकार की जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, इसके दोहरे उद्देश्य होते हैं। एक तो उद्देश्य इनका ये है कि देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना है, देश की एकता और सुरक्षा बनी रहे। दूसरा क्या है कि हमारी जो क्षेत्रीय विविधता है, वैरायटी है, वो भी बची रहे। यानी कि देखो, मान लो हमारे देश में विविधता बहुत है, हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग विचारों वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, सब एक साथ रहते हैं, वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो हमारे देश में ये जो संघीय व्यवस्था है, इसके दो काम हो जाते हैं, एक तो इनके बीच में एकता बनाए रखना, दूसरा इनकी विविधताओं, इनकी जो विविधता है उसका सम्मान करना। अब बात कर लेते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। आपको इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर थोड़ी भी दिक्कत आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको सारी चीजें ध्यान से समझने में क्लियर हो जाएंगी। अब आप एक चीज समझिए, भारत की बात करते हैं स्पेशल। अभी तो हम श्रीलंका, बेल्जियम, ये सब बातें कर चुके हैं, अब हम केवल और केवल भारत की बात करते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में अगर हम शासन व्यवस्था को देखें, तो वैसे तो तीन स्तर पे है, एक है केंद्र, एक है राज्य, और तीसरा है स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन वाला जो टॉपिक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में मैंने अलग स्लाइड बना रखी है, वहां पे समझाऊंगा। अभी हम दो स्तरों पे बात करेंगे, एक तो केंद्र पे और दूसरा राज्य पे। तो इसे आपको समझना है, अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में यहीं से आता है, भारत में संघीय व्यवस्था की बात करते हैं। देखो, भारत जो है एक विविधता से परिपूर्ण देश है। विविधता का मतलब है हमारे देश में वैरायटी बहुत है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है कि लोगों की संस्कृति अलग है, लैंग्वेज अलग है, और रहने का तौर तरीका अलग है,
बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे देश में, और इतने सारे डिफरेंस हमें अपने देश में एक साथ देखने को मिलते हैं। तो भारत जो है, भारत एक हिंसा वाली स्थिति में आजाद हुआ था। आपको पता है, आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, जब देश 1947 में आजाद हुआ तो देश का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। और बंटवारा में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। जैसे आपने बहुत सारी मूवी, जैसे मैं आपको, आपने गदर फिल्म देखी होगी, गदर एक प्रेम कथा। इसके अलावा आपने पिंजर देखी होगी, या बहुत सारी मूवी है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमारे देश के बंटवारा जब हुआ था उस टाइम पे किस तरीके से हिंसा हुई, कैसे लोगों को मारा गया। तो हमारा देश जो है वो हिंसा वाली स्थिति में आजाद हुआ, और विविधता से भरा हुआ देश है। तो ऐसे देश में फिर संघीय व्यवस्था कैसे कायम हुई, इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार हमने दो स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान रखा हुआ है। हमारे संविधान में दो स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है। वो दो स्तर की शासन, ठीक है। तो बंटवारे में क्या हिंसा हुई थी आप जानते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो दो स्तर की सरकार है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। दो स्तर की सरकार में एक तो हमारी केंद्र की सरकार है, जिसको हम संघ की सरकार भी बोलते हैं या फिर केंद्र की सरकार भी बोलते हैं। दूसरी हमारे राज्य की सरकार होती है, जिसको हम राज्यों, जो हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और जो केंद्र की सरकार होती है वो हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मैंने भारत का नक्शा बना दिया आपके सामने, ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया, मैंने केवल जम्मू कश्मीर की बात की, या फिर मान लो मैंने केवल राजस्थान की बात कर रहा हूँ। जो राजस्थान की सरकार होगी वो राज्य की सरकार है, वो केवल राजस्थान के लिए काम करेगी। लेकिन जो हमारी केंद्र की सरकार होगी वो पूरे देश के लिए काम करेगी, हमारे जो 29 राज्य हैं सभी राज्यों के लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे सिस्टम। और अब मैं आपको थोड़ा सा तीसरे स्तर के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। पहले तो हमारे यहाँ पे दो स्तर की थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन बाद में एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया था, जिसको हम स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन भी कहते हैं। इसमें पंचायत और नगर पालिका है। इस पे तो हम लास्ट में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे स्थानीय शासन पे। तो अब केंद्र और राज्यों की जो सरकारें हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, इनके जो काम है वो डिवाइड है कि भाई कौन सी सरकार के लिए क्या काम है, उसके अधिकार क्षेत्र कौन से होंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो होता क्या है कि हमारे संविधान में ना मुख्य तीन सूचियां बना रखी हैं, ठीक है। वो मुख्य तीन सूचियां कौन सी है, एक तो होती है संघ सूची, एक है हमारी संघ सूची, दूसरी है हमारी आप देख पा रहे हैं बीच में राज्य सूची, और यहाँ पे तीसरी बात करें तीसरी हमारी संवर्ती सूची। देखो संघ सूची में कुछ विषय हैं, राज्य सूची में भी कुछ विषय हैं, और संवर्ती सूची में भी कुछ विषय हैं। संघ सूची में जो विषय आते हैं, टॉपिक आते हैं, उस पे जो भी कानून बनाना होता है उस पे केवल केंद्र की सरकार को अधिकार होता है, ठीक है। केंद्र की सरकार जो है वो संघ सूची वाले मामलों पे कानून बनाएगी। राज्य सूची वाले जो मुद्दे होते हैं उस पे राज्य की सरकार कानून बनाती है, उस पे राज्य की सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन जो संवर्ती सूची होती है इसमें दोनों का अधिकार होता है, यानी कि केंद्र की सरकार भी चाहे तो कानून बना सकती है, और अगर इस पे राज्य की सरकार चाहे तो राज्य की सरकार भी यहाँ पे कानून बना सकती है, ठीक है, संवर्ती सूची में। तो अब ये संघ सूची में कौन से मामले आते हैं आप देखो, जैसे हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था है, आरबीआई या बैंक के रूल वगैरह जो आते हैं वो सब क्या होता है, केंद्र सरकार के हाथ में। कम्युनिकेशन की बात आ जाए, मुद्रा, ये नोट वगैरह जो हम यूज करते हैं, मुद्रा करेंसी, इससे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो सब केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं। हमारी जो सेना है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, वो बनाएगी उस पे कानून। अगर हम डिफेंस की बात करते हैं, प्रतिरक्षा की बात करते हैं, तो उस पे भी हमारी केंद्र की सरकार कानून बनाती है, या हमारे जो विदेश मामले हैं उस पे भी हमारी केंद्र की सरकार जो होती है वो कानून बनाती है, ठीक है। तो ये समझिए थोड़ा ध्यान से कि आपने सुना होगा, जैसे कि मान लो मैंने अभी बताया आपको सेना, सेना के विषय में कौन कानून बनाएगी, हमारी केंद्र की सरकार। तो आपने कभी सुना है सेना के बारे में कि राजस्थान सेना, बिहार सेना, यूपी सेना, ऐसा नहीं सुना ना, आप हमेशा एक ही चीज सुनते हो, इंडियन आर्मी, यानी कि पूरे देश के लिए, केंद्र के लिए होती है आर्मी, ठीक है, ना कि किसी स्टेट को लेकर। जैसे पुलिस वाला मामला जो हो जाता है वो राज्य के हाथ में होता है, पुलिस, तो आप राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, और यहाँ की पुलिस, वहां की पुलिस, इतनी सारी चीजें आप सुनते हो। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं वो राज्य सरकार में है, कुछ मुद्दे केंद्र सरकार में है। तो इन टॉपिक पे केंद्र की सरकार कानून बनाएगी, और ये जो टॉपिक है जैसे पुलिस हो गई, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ऐसे जो मुद्दे हैं इस पे राज्य की सरकार कानून बनाती है। और लास्ट में अगर हम बात करें, एजुकेशन हो गया, वन हो गया, मजदूर हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना, इन पे जो नियम बनाए जाते हैं वो संवर्ती सूची वाला मामला है, तो हम इस पे दोनों ही बना सकते हैं, केंद्र की सरकार भी बना सकती है, राज्य की सरकार भी बना सकती है, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान में रखना था। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, मैं आपको बताना भूल रहा था, आप यहाँ पे समझिए एक चीज, ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन मान लो संवर्ती सूची का कोई मुद्दा है, कोई भी मान लो कोई टॉपिक है एक्स, उस पे कानून बन रहा है, केंद्र सरकार ने भी अपना कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी उस मुद्दे पे अपना कानून बना दिया और दोनों में हो गया विवाद, तो ऐसे में किसका कानून माना जाएगा? तो केंद्र का कानून माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे केंद्र की जो सरकार है उसको ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की। देखो हमारा जो भारतीय संघ है यहाँ पे कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार मिले हुए हैं, कुछ ऐसी इकाइयां हैं जिसको थोड़े कम अधिकार मिले हुए हैं। ये बहुत ही छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते या फिर स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, तो किसी मौजूदा प्रांत में इनको मिलाना भी संभव नहीं है, तो इनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखो अपना देश है बहुत बड़ा, मैप बना दिया मैंने, अपना देश बना दिया, देश हमारा क्या है बहुत बड़ा है, आपको पता है हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जो बहुत ही छोटी जगह है हमारे देश में, और ऐसी जगह है जिसको किसी अन्य राज्य में जोड़ पाना भी पॉसिबल नहीं है, जिसको किसी अन्य राज्य में जोड़ पाना भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में क्या करा उसको, वो पूरी तरीके से एक राज्य नहीं है, ऐसे में उसको क्या कर दिया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि केंद्र के द्वारा उस पर शासन किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जाम्पल है आपके लिए चंडीगढ़ बहुत ही छोटा है, लक्षद्वीप, दिल्ली, दिल्ली भी आप देखोगे बहुत छोटा है, अगर आप पूरे देश का मैप देखोगे ना दिल्ली की जनसंख्या बेशक से आपको ज्यादा दिखे, ठीक है, लेकिन दिल्ली जो है वो एक छोटा है, काफी छोटा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, पुडुचेरी वगैरह जो है वो भी हमारे इसमें आ जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के एग्जाम्पल है। इनको क्या होता है कि इनको राज्य की तरह अधिकार नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है ना, ये कंप्लीट स्टेट नहीं है हमारे यहाँ पे, समझ गए ना, जो राज्य होता है राज्य को अधिकार दिया हुआ है और केंद्र को अपना अधिकार दिया, लेकिन ये जो छोटे छोटे से एरिए हैं सात हमारे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, इनके राज्य की तरह अधिकार नहीं होते, इनको केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है इन पे। तो भारतीय संघ में सभी राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। अब आप हाँ ये भी ध्यान रखना कि भारत में 29 राज्य हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी राज्यों को बराबर अधिकार है, इसमें भी कुछ कम ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल J&K, जम्मू और कश्मीर, इसको ज्यादा अधिकार दिया, इसको कुछ विशेष अधिकार भी दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए हैं, जम्मू कश्मीर के अलावा भी और भी बहुत सारे राज्य जिनको विशेष अधिकार मिले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को कुछ ज्यादा ही है। एग्जाम्पल के लिए आप जम्मू कश्मीर देखो कि जम्मू कश्मीर जो है इसको विशेष अधिकार प्राप्त है, इसका अपना अलग संविधान है, हमारे संविधान की सारी बातें इस पर लागू नहीं हो सकती, भारतीय संविधान के सभी जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होते। और एक तो ये अधिकार है यहाँ पे भाई कि अगर आप मान लो आप दिल्ली में रहते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो या आप बिहार में रहते हो, आप यूपी में रहते हो, आप पंजाब में रहते हो, आप किसी भी राज्य में रहते हो भारत के, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, अगर आप चाहो कि मैं जाओ के जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद लूं, वहां पे मैं अपना मकान बना लूं और मैं वहां पे रहने लग जाऊं, तो आप नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि भाई वहां पे जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, उनके संविधान के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कर सकते हो। आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हो, आप चाहो तो जम्मू कश्मीर में एक घूम के आ सकते हो, आप 2-4 दिन वहां पे रह सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो ना कि परमानेंट बस जाऊं जाके अपनी जमीन खरीद लूं, तो आप वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार है। तो आप समझ गए ना कि कुछ जो राज्य हमारे यहाँ पे है उसको अलग तरह के अधिकार मिले हुए, और इन इलाकों पर शासन चलाने का, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं हमारे, इन इलाकों में शासन चलाने का जो अधिकार होता है वो केवल केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र और राज्यों में सत्ता का बंटवारा जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग किया गया है, और अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर कभी कोई अकेले संसद चाहे, मान लो कि ये जो केंद्र और राज्य वाला मुद्दा है, अगर अकेले संसद चाहे तो इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती, ऐसे में अगर कोई बदलाव करना है तो पहले संसद के दोनों सदनों से 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर मान लो राज्यसभा में भी मंजूरी मिल जाती है, 2/3, लोकसभा में भी मिल जाती है, उसके बाद फिर क्या होगा, कम से कम आधे राज्यों, यानी कि 29 राज्य है मान लो, 29 का आधा मान लो कम से कम 14 से 15, इतने राज्यों की जो विधानसभा है उनसे भी जाके मंजूरी लेनी पड़ेगी, अगर वो भी मंजूरी दे देती है तभी जाके कोई इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा टॉपिक था, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, देखो संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारी जो न्यायपालिका है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लो केंद्र की सरकार है,
और राज्य की सरकार है, इनके बीच में किसी चीज को लेकर विवाद हो जाए तो हमारी न्यायपालिका जो है उसको देखेगी, या केंद्र सरकार या कोई कानून बनाने में कुछ गड़बड़ हो जाए, कानून कुछ गलत बन जाए तो उसको हमारी न्यायपालिका देखेगी। तो ये कानून वगैरह इस सारी चीजों को हमारी न्यायपालिका देख सकती है, उसको अधिकार है। ठीक है, शक्ति के बंटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद हो जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो भी हमारी हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय बोलते हैं जिसको, सुप्रीम कोर्ट है जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, ये इनको अधिकार होता है कि उस पर फैसला सुनाते हैं। आप देखोगे कि ऐसे विवाद हो रखे हैं हमारे देश में। तो ये तो था भारत, और भारत की जो तीनों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में आपको बता दिया, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बारे में बता दिया, तो मेन जो टॉपिक थे वो आपको बता दिए। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। आगे देखिए आप, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? देखो, केवल संवैधानिक प्रावधान बनाने, आप कहीं सोचो ना कि संविधान में प्रावधान बना दो या कोई कानून बना दो, अगर आप सोचते हो कि केवल कानून बनाने से व्यवस्था चल जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। कानून बनाने से व्यवस्था नहीं सुधरती। अगर ऐसा होता ना तो देश में छुआछूत को लेकर कानून बना हुआ है, पर अगर आप देखोगे गांव वगैरह में आज भी छुआछूत होता है कहीं ना कहीं, तो ये चीजें हैं। देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं लेकिन आज भी वो चीजें हो जाती हैं। तो समझ गए ना, केवल कानून बना देने से व्यवस्था नहीं सुधर पाती। तो भारत जो है, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का अगर हम श्रेय दें तो यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरण को देना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोकतांत्रिक राजनीति है ना, इसने बहुत सारी चीजों को सफल बनाया हमारे देश में। संघवाद की भावना है हमारे देश में, आपको पता ही है, विविधता का आदर किया जाता है, चाहे हमारे देश में कोई किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी उसके रीति रिवाज हो, हमें क्या करना होता है कि उसके उन चीजों को सम्मान देना होता है, और हमारे देश में इस चीज का सम्मान किया भी जाता है। तो विविधता का आदर किया जाता है, ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं आगे कि आगे भाषाई राज्यों पे। भाषाई राज्य, आपको पता है कि भाई हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद उस समय पे हमारे देश में 14 राज्य थे और लगभग 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, आज हमारे देश में लगभग 29 राज्य हो चुके हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश तो 6 से 7 ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट ये राज्य 14 से 29 कैसे हो गए? सोचा है आपने कि 14 राज्य 29 कैसे हो गए, क्या कर दिया इसमें? तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, 1920 में क्या हुआ था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें हमने डिसाइड किया था कि जब अपना देश भारत आजाद हो जाएगा तो हम अपने देश में जो अलग अलग भाषाएं हैं, भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण कर देंगे, यानी कि पुनर्गठन कर देंगे। हम पहले से डिसाइड कर चुके थे, लेकिन कुछ समस्या आ गई। वो क्या समस्या आई, इसको समझते हैं। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन बहुत मुश्किल काम था। आजादी के समय भारत में 14 राज्य थे और वर्तमान में भारत में 29 राज्य हैं। पुराने प्रांत जो हैं, वो कई पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांत बन गए, और कई प्रांतों की सीमाएं बदल दी, उनके क्षेत्र बदल दिए, और कईयों के तो नाम भी बदल गए। तो ये सब किया गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन वहां पे बोली जाने वाली भाषा नहीं बल्कि वहां पे संस्कृति और भूगोल के आधार पे भी की गई। एग्जाम्पल, आप मेरी बातों को ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आप समझिए। देखो, भारत में भाई एक, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, मैंने ये एक राज्य बनाया आपके सामने, इस राज्य को मैं बोलता हूं बम्बई। ठीक है, मैं इस राज्य को मैंने एक नाम दिया बम्बई, पहले बम्बई बोला जाता था, बॉम्बे वगैरह। इस राज्य में दो तरह की भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आधे लोग जो है यहाँ पे वो गुजराती भाषा बोलते हैं, आधे लोग जो है वो मराठी भाषा बोलते हैं। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया कि इसको दो हिस्सों में बांट दो, एक गुजरात बना दो और एक महाराष्ट्र बना दो, ऐसे बंटवारा हो गया। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ पंजाब की, मैंने मान लो एक राज्य आपके सामने बना दिया पंजाब, पंजाब को भी हमने ऐसे ही बांट दिया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि हिमाचली भाषा बोलते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हरियाणवी बोलते हैं, कुछ जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं, इसीलिए पंजाब को भी तीन हिस्सों में बांट दिया, एक हरियाणा बना दिया,
एक पंजाब तो बन ही गया, पंजाब हरियाणा, पंजाब पंजाबी भाषों के लिए, हरियाणा हरियाणा हरियाणवी भाषा के लिए, और अलग जो बच गए थे जो कुछ हिंदी वगैरह से जुड़े थे उनके लिए हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरीके से हमारे देश में ना कई राज्यों को भाषा के आधार पर बदल दिया गया, ठीक है, बना दिया गया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि वहां पे बोले, वहां की जो संस्कृति और भूगोल है उसके आधार पर बनाए गए, जैसे नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे राज्य। तो ऐसे ही समझ गए ना, इसीलिए फिर ये हमारे जो 14 राज्य थे ये बट बट कर 14 से 28 से 29 हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि भाषा के आधार पर बांट दिया गया है। तो जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को इससे डर लगा कि देश टूट जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी समझा देता हूँ कि क्यों डर लग रहा था। देखो, 1947 में देश आजाद हुआ, बंटवारा हो गया। हमने कभी सोचा नहीं था कि देश आजाद होगा तो बंटवारा हो जाएगा। बंटवारे में क्या हुआ, बंटवारे में हिंसा हो गई, लाखों लोग हमारे यहाँ पे बेघर हो गए और हजारों लाखों लोग हमारे यहाँ पे मारे गए। अब ऐसे में देश में बहुत ही बुरा माहौल था। अब ऐसे में देश आजाद हुआ है, इस बुरे माहौल से हमें निकलना है, लेकिन कुछ लोगों ने अलग राज्य की मांग कर दी। अब सरकार का ध्यान जो था वो इसी पे था कि कैसे, मतलब जो लाखों लोग मारे गए हैं उनके लिए, उनके परिवारों को बचाया जाए, या हिंसा को कैसे रोका जाए, जो लोग बेघर हो गए हैं, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, उनको कैसे घर दिया जाए। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे हो रही थी, ठीक है। अब भाई समस्या आ गई, अब सरकार का ध्यान इन चीजों पे है। इसी टाइम पे लोग कह रहे हैं कि भाई अलग राज्य बना दो भाषा के आधार में। सरकार को ऐसा लगा कि मान लो हम, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मान लो हम एक भाषा के आधार पे एक राज्य बना देते हैं तो यही मांग देश में दूसरे राज्यों में उठेगी, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब सरकार में इन सरकार जो है इन लोगों की समस्या को सुलझाएगी, भाषा के आधार पर राज्य को बनाएगी, और मान लो राज्य को बनाने में कहीं हिंसा हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इसीलिए सरकार डर रही थी, सरकार को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए, देश टूट जाए। तो सरकार उस टाइम पे ये काम नहीं करना चाहती थी। केंद्र सरकार इसीलिए राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल रही थी, सोच रही थी कि एक बार ये मामला शांत हो जाए फिर हम राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे बाद में, सरकार ये सोच रही थी। फिर इसीलिए क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था। उसका काम यही था कि जो राज्य हैं हमारे उन राज्यों के लिए काम करना, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, ये भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए ना बांटा जाए, कैसे बांटा जाए, इसके ऊपर इसको काम करना था। और इसने एक रिपोर्ट दी 3 साल के बाद, 1956 में एक रिपोर्ट दी, और इसने कहा कि हाँ भाषा के आधार पर राज्य बना दो। तभी एक कानून की तरह से पारित कर दिया गया, यानी इसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी कहा जाता है, 1956 में जो लाया गया, ठीक है। स्थापना 1953 में हुई और अधिनियम 1956 में आया, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं भाषा नीति। आपने बंटवारा देख लिया, बहुत सारी चीजें समझ ली, भाषा से संबंधित कुछ चीजें समझो। अपने देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान बन रहा था तो समस्या आ रही थी कि भाई कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाएं। तो इसको देखो, संविधान सभा के सामने भाषा का मुद्दा जो था बहुत बड़ी समस्या बनकर आया। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए हमारे संविधान ने किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारी भाषा बोलते हैं, इसीलिए हमारी सरकार ने क्या करा, हम किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। मान लो किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देते तो बाकी भाषाओं वाले लोगों को बुरा लगता और वो विरोध कर देते, ठीक है, देश में दंगे हो जाते। इसलिए हिंदी को राजभाषा माना गया। देखो, राष्ट्रभाषा नहीं माना गया, राजभाषा माना गया, यानी कि जो सरकारी कामकाज होंगे उसमें हिंदियों का यूज करेंगे। हिंदी जो है वो 40% भारतीयों की मातृभाषा है हमारे देश में। संविधान में क्या किया गया कि हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, यानी हमारे संविधान के तहत 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, मेन भाषाएं जो। तो राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं, जैसे केरल में जाओगे तो मलयालम बोलते हैं, गुजरात में जाओगे गुजराती बोलते हैं, तमिलनाडु में जाओगे तमिल बोलते हैं, कर्नाटका में जाओगे कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है, और गोवा में जाओगे कोंकणी बोलेंगे, पंजाब में जाओगे पंजाबी बोलेंगे। तो अलग अलग राज्यों में अपनी खुद की राजभाषाएं हैं। ये क्यों है, क्योंकि सरकार अगर उन पे एक ही भाषा थोप देती तो लोग नाराज हो जाते। सरकार नहीं चाहती थी कि देश में कोई विवाद हो, तो सरकारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाता है। पहले तो बात ये चली थी कि हिंदी भाषा का यूज करेंगे सरकारी कामकाज में, लेकिन इससे दूसरे राज्य नाराज हो गए, जैसे तमिल वाले लोग हैं, पंजाबी वाले लोग हैं, वो नाराज हो गए। तो ऐसे में फिर दूसरा फैसला लिया गया कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी यूज में लाई जाएगी, तो फिर इन लोगों को इंग्लिश लाकर शांत कर दिया गया।
ठीक है, तो ये था हमारा भाषा वाला विवाद, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध पर। देखो केंद्र और राज्यों के संबंध में लगातार बदलाव हुए। हमारे देश में लंबे समय तक केंद्र में एक ही पार्टी ने शासन करा, वो पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस ने 1947 से लेकर 1989 तक लगातार हमारे देश में राज किया। एक बार 1975 में सरकार गई थी इनके आपातकाल के बाद, लेकिन दोबारा इनकी सरकार आ गई। उसके बाद भी अगर हम बाद में बात करें, सबसे ज्यादा राज जो है कांग्रेस ने किया। तो इस तरह से राज्य और केंद्र में जब एक ही सरकार होती थी कांग्रेस की, तो समस्या जो थी वो नहीं आती थी। लेकिन 1989-90 के बाद क्या हुआ कि केंद्र में गठबंधन की सरकार आने लगी। अब गठबंधन की सरकार इसलिए आ रही है क्योंकि भाई अब 1989 के बाद किसी सरकार को वोट ही नहीं मिल पा रहे उतने कि वो अपने दम पे सरकार बनाए। तो ऐसे में क्या करा लोगों ने, गठबंधन सरकार बनाई। अब केंद्र में अलग सरकार और राज्यों में अलग दलों की सरकारें बनने लगी, यानी केंद्र में गठबंधन की सरकार है और राज्यों में अलग सरकारें हैं। जिस कारण क्या हुआ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सरकार को भंग किया जाने लगा। केंद्र सरकार ने क्या करा, कुछ राज्य की सरकारों को भंग कर दिया अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके, ऐसा हुआ, या उनके बीच में विवाद होने लगा। तो ऐसे में भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इनके अधिकारों के लिए काम करा। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि भाई केंद्र की सरकार जो है गलत इस्तेमाल कर रही है अपनी शक्ति का और राज्यों की सरकार को भंग कर रही है। तो केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, सॉरी, कि ऐसा मतलब कुछ कानून बना दिया गया जिससे कि आसानी से कोई भी केंद्र की सरकार राज्यों की सरकार को भंग ना कर पाए। तो ये हो गया था। अब हमारा है लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सत्ता का विकेंद्रीकरण। हमने जो दो पढ़ा है, एक केंद्र की सरकार एक राज्य की सरकार, अब हम क्या पढ़ेंगे, तीसरे स्तर को पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार। डिटेल में जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो भारत में भी विकेंद्रीकरण हुआ है सत्ता का। क्या होता है विकेंद्रीकरण, इसको जानेंगे। देखो भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ पे केवल दो स्तर की जो सरकार रहेगी वो अच्छे से शासन नहीं चला पाएगी क्योंकि जो देश है वो बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो भारत के प्रांत जो है वो यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रूस। रूस एक बड़ा देश है, ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या वगैरह के मामले में देखोगे तो हमारा यूपी आपको कहीं आगे मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग जर्मनी के बराबर है। जर्मनी एक देश है और हमारा महाराष्ट्र एक केवल राज्य है, लेकिन फिर भी वो जर्मनी के बराबर है। तो आप समझ रहे हो ना कि यूरोप में और भारत में कितना अंतर है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे शासन का तीसरा स्तर लाया गया। तो भारत में अंदरूनी तौर पे विविधताओं से भरा है। विविधता आपको बता रखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, तो विविधता से भरा हुआ है, जिसके कारण से सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों में बांटने की जरूरत महसूस हुई। जिसके कारण क्या हुआ, जब लगा कि भाई भारत देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल पाएगी दो स्तर की सरकार में, तब तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था लाने की जरूरत महसूस हुई। तीसरा स्तर जो था, इसको स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन या इसको लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हो गया स्थानीय शासन। जब केंद्र और राज्य की सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दें तो इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य की सरकारों से कुछ शक्तियां लेकर दे दी स्थानीय सरकारों को, तो इसको क्या बोलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो ये क्यों लाया गया, इसके पीछे ये सोच काम कर रही थी कि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं के की बेहतर समझ होती है। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आप इस इलाके में रहते हो, आपके इलाके का नाम ए है, आप रहते हो, तो आप अपने इलाके की समस्याओं को अच्छे से समझोगे ना। आपको पता है कि आपके यहाँ पे गलियां टूटी हुई हैं, आपको पता है आपके यहाँ पे पानी नहीं आता, आपको पता है आपके यहाँ पे स्कूल की जरूरत है, आपको पता है आपके यहाँ पे पार्क की जरूरत है, या देश के प्रधानमंत्री को पता होगा कि आपकी गली में क्या समस्या है। नहीं पता होगा ना भाई, प्रधानमंत्री बहुत बड़े लेवल का नेता है, उसको हजारों काम है, वो आपकी गली में आके थोड़ा ना देखेगा कि कौन सी गलियां टूट रही है, कहाँ पानी नहीं आता। तो समझ गए ना, ये समस्या जो है इसे कौन रोज गुजरता है, इससे आप गुजरोगे क्योंकि आप वहां रहते हो, आप वहां से जाते हो, आप वहां पे रह रहे हो, तो आपको उस पर अच्छे से समस्या पता है। तो इसीलिए ये जो लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, स्थानीय शासन वाला सिस्टम है, इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, यानी कि इसमें ये कहा गया कि जो लोग हैं वो अपनी समस्या को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो लोगों से पूछा जाएगा कि तुम्हारी क्या समस्या है, जो लोग बताएंगे फिर उस समस्या को देखा जाएगा और उस समस्या के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा।
ठीक है, लोगों को पता होता है कि उनके इलाके में किस जगह पे पैसा लगाना अच्छा है। मान लो मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, एक सरकार थी, मैं सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, उस सरकार ने क्या करा, करोड़ों रुपए लगाकर एक इलाके में झरना लगा दिया। वो वाटर झरना टाइप का नहीं होता, पानी वगैरह जो बना देते हैं, फाउंटेन आउंटेन क्या जो भी बोलते हैं उसको, वो बना दिया करोड़ों रुपए लगा के। अब भाई वहां के लोगों को उसका कोई यूज नहीं है और वो झरना बाद में यूं ही पड़ा हुआ है। अब आप देखो कि करोड़ों रुपए लगा के झरने बना दिए गए जबकि उसका कोई यूज ही नहीं है और ना लोगों को उसकी जरूरत थी। अगर वही करोड़ों रुपए वो किसी हेल्थ में लगा देते, हॉस्पिटल बना देते, स्कूल बना देते, सड़कें बना देते, पानी ला देते और काम में करते, तो वो पैसा वो वाला सही जगह पे लग जाता और जनता को फायदा होता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, यूपी की एक सरकार थी जिसने हाथी की मूर्ति बना दी। जब उसकी सरकार आई तो उसने हाथी की मूर्ति बना दी, करोड़ों रुपए लगा के हर जगह मूर्ति बना दी। अब क्या उस मूर्ति से क्या विकास हो जाएगा? नहीं होगा ना। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कहने का मतलब ये है कि सरकार कई बार गलत जगह पैसा लगा देती है और उस पैसे से लोगों को फायदा भी नहीं होता। तो यही पूछा गया लोगों से कि लोगों से पूछा जाए कि किस जगह पे पैसा लगाना सही होगा। ठीक है, इसमें स्थानीय स्तर के लोगों के फैसलों में सीधा भागीदार बनना संभव हो जाता है। विकेंद्रीकरण की जरूरत जो है संविधान में भी स्वीकार की गई है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है। इसके बाद गाँव में, शहर के स्तर पे ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई, ये आप जानते हैं। और क्या हुआ कि ये जो हमारी जो स्थानीय शासन होता है ना, ये राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में होती है। इनको राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया। इस सीधे नियंत्रण की वजह से ज्यादा लाभ नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि भाई ये स्वतंत्र नहीं थे, राज्य सरकार के नियंत्रण में थे, इसीलिए ज्यादा लाभ नहीं हुआ। स्थानीय सरकारों के लिए नियमित चुनाव भी नहीं कराए जाते थे, इसीलिए भी लाभ लाभ नहीं हुआ। अच्छे ढंग से ये काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये दबाव में था। लेकिन अच्छी तरीके से अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करें ना, तो ये 1992 में उठाया गया। इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया 1992 में, संविधान में संशोधन करा। संशोधन करके जो हमारा तीसरे स्तर की जो सरकार है उसको ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किया गया था। अब क्या किया गया, ये जो संशोधन हुआ इसके बाद कुछ नए कानून आए। वो नए कानून ये थे कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से होंगे, यानी कि हर 5 साल के बाद जो स्थानीय स्तर के जो चुनाव नहीं होते थे, अब वो 5 साल के बाद चुनाव कराए जाएंगे। पहला ये। फिर क्या है कि वहां के जो निर्वाचित निकाय हैं, उनके जो सदस्य हैं और वहां के जो अधिकारी हैं, उन पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएगी ताकि वो लोग भी इसमें आ सके। फिर 1/3, कम से कम 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित की गई ताकि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। फिर इसके बाद क्या है कि हर पंचायत, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नाम की एक स्वतंत्र संस्था बना दी जो कि पंचायत के चुनाव करवाएगा। ठीक है, उसका काम दे दिया गया। और राज्य सरकारों को राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासन जो निकाय है उसको देना पड़ेगा, यानी कि जो राज्य सरकार को जो टैक्स मिलता है उस टैक्स में से कुछ पैसा स्थानीय सरकार को देना अब जरूरी हो गया। पहले क्या था, स्थानीय सरकार कामयाब नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार नहीं थे ज्यादा। अब फिर संशोधन हुआ जब 1992 में, उस संशोधन के बाद क्या हुआ, ये सारे अधिकार दे दिए गए, अब जाके अच्छे से शासन चल रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बारे में, नगर नगर में व्यवस्था के बारे में। तो हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत का सिस्टम है। गाँव की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशल। एक तो है बहुत छोटे लेवल पे, एक है उससे बड़े लेवल पे, एक है सबसे बड़े लेवल पे। यानी इसको हम छोटा बोलेंगे, इसको हम मीडियम बोलेंगे और इसको हम बड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो देखो छोटे लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, उससे बड़े लेवल पे मंडल पंचायत या फिर जिसको हम प्रखंड पंचायत या तालुका पंचायत या ब्लॉक ब्लॉक भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये बोलते हैं। और जो बड़े लेवल पे होती है वो जिला पंचायत होती है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब छोटे लेवल की बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत क्या होता है। देखो हर गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है, सभी गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है। इसके कई सदस्य होते हैं और इसका एक अध्यक्ष होता है। सदस्य जो होते हैं वो वार्डों से चुने जाते हैं, वहां की जो वार्ड हैं, जो वहां के लोग हैं वो उनको चुनते हैं। अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष को प्रधान बोलते हैं कुछ जगह पे, कुछ जगह पे सरपंच बोलते हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर जगह में इनको प्रधान बोला जाता है। आप कभी गाँव वगैरह में जाओगे ना, गाँव में आप देखोगे जो ग्राम पंचायत वगैरह है उसके जो अध्यक्ष है उनको प्रधान जी बोलते हैं, प्रधान जी। तो ये होता है।
तो ये जो प्रधान और ये जो सरपंच, ये जो आप पढ़ रहे हो नाम एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना इसे। और ये जो होते हैं ये वार्डों से ही चुने जाते हैं, यानी वो जो एरिया है, वार्ड का मतलब होता है एक एरिया गांव का, एक वार्ड, फिर दूसरा एरिया, दूसरा वार्ड, इस तरीके से ये वार्डों से चुने जाते हैं। पंचायत का काम जो है वो गांव, ग्राम सभा जो होती है, गांव की जो सभा होती है उसकी देखरेख में चलता है। और ग्राम सभा की जो पंचायत है साल में 2 से 3 बार हो जाती है, ठीक है। ये जो सभा, ये जो पंचायत वगैरह, दो दो तीन बार इसकी मीटिंग हो जाती है, बैठक हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि इसका जो बजट होता है ग्राम पंचायत के लिए, वो बजट वगैरह और कहाँ पे पैसा लगाना है, क्या परफॉर्मेंस रही है, इन सब चीजों के लिए यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। दूसरे जो बीच वाला लेवल था, अभी मैंने आपको बताया ना, एक तो छोटा था ग्राम पंचायत ही मैंने पढ़ दिया, अब दूसरा बीच वाले लेवल की बात करते हैं, मंडल पंचायत। इसको मंडल पंचायत भी बोलते हैं, इसको तालुका भी बोलते हैं, प्रखंड भी बोलते हैं कई जगह पे। तो अब आपको क्या बोलना है आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। तो ये जो है ये बीच वाला स्तर है, इसमें क्या होता है, पहले वाले में तो ग्राम पंचायत थी, इसमें एक से ज्यादा ग्राम पंचायत, यानी कई सारी गांव, गांव की जो पंचायतें हैं ग्राम पंचायत, उनको मिला देते हैं, यानी कि उनको आपस में मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, और मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। ये मंडल जो, ये जो होता है ये मंडल या प्रखंड स्तर की पंचायत कहलाती है, ये थोड़े बड़े लेवल की होती है, ठीक है। सदस्यों का चुनाव जो होता है वो इलाके के सभी पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो इनको चुनते हैं, इनके लिए वोट डालते हैं। और तीसरा है सबसे बड़े लेवल का, वो है होता है जिला पंचायत। देखो गांव जो होता है वो छोटा होता है, प्रखंड जो होता है उससे बड़ा होता है, और जो जिला होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिले में तो कई सारी पंचायतें वगैरह आ जाती हैं। तो तीसरा जो है जिला पंचायत, किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, अगर किसी जिले की जितनी भी पंचायत समिति है सबको मिला दें तो क्या बनता है, एक जिला परिषद बोलता है, बनता है, जो कि जिला के लिए काम करता है, ठीक है, ये बड़े लेवल का होता है। तो ये गांव के बारे में। अब लास्ट टॉपिक है बिल्कुल 2 मिनट का, नगरों के बारे में बढ़ लेते हैं। ये गांव पंचायत, ग्राम सभा, ये गांव में मिलती है केवल, अगर आप शहर में रहते हो, नगर में रहते हो, तो आपको ये ग्राम पंचायत वगैरह कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, या तो आपको यहाँ पे नगर पालिका मिलेगी या फिर आपको यहाँ पे नगर निगम मिलेगा। नगर पालिका समझते हो ना, जो छोटे थोड़े शहर होते हैं, यानी कि शहर जो है लेकिन छोटा है, तो वहां पे क्या होती है, नगर पालिका होती है। लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ा शहर है तो वहां पे नगर निगम होता है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, दिल्ली नगर निगम, जिसको हम एमसीडी बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये नगर निगम होते हैं बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। नगर निगम के जो पदाधिकारी होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उसको मेयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये नगर निगम जो है इसका काम क्या होता है और ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, दो तीन काम मैं आपको बताता हूं और बाकी के काम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नगर निगम के काम, इनके काम क्या होते हैं, देखो सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करना दोनों का काम है, जो वहां पे गांव में छोटा स्कूल वगैरह है, स्कूल वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी दोनों के काम होते हैं। बस ये गांव में करेगा, ये शहर में करेगा, ठीक है, इतना फर्क है केवल। यहाँ पे फिर साफ सफाई की व्यवस्था कराना, ये गांव में ग्राम पंचायत कराएगी और शहरों में नगर निगम कराएगा सफाई की व्यवस्था कराना, ठीक है। छोटे जो हॉस्पिटल होते हैं, छोटे हॉस्पिटल जिसे हम डिस्पेंसरी वगैरह कहते हैं, उसकी सुविधा उपलब्ध कराना, ये नगर निगम के काम है। टैक्स वगैरह लेना, ये नगर निगम वगैरह के काम होते हैं, पंचायत वगैरह का काम है, ठीक है। यानी कि वहां की जो लोकल समस्याएं होती है, सड़कें बनाना, छोटी छोटी गलियां बनाना, स्ट्रीट लाइट हो गई, और लोगों को जागरूक करना, ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे काम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के लिए गाँव में और नगर निगम के लिए शहरों में होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और पूरा चैप्टर हमने आपको एक ही वीडियो में बताया। आई थिंक वीडियो लंबा जरूर हो गया, बट आपको सारी चीजें अच्छे से समझाई हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। जो आपको वीडियो में बताया एक भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने यहाँ पे कवर किया है, जो भी आता है वो इसके अंदर से ही आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कमेंट जरूर करा करें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।